बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ जी आप साथ में। आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट यार इंटरनेशनल फ्लैट्स के मुतल्लिक। मैं आपको ना काफ़ी न्यूज़ आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। एक मैं वीडियो टिकटॉक के ऊपर देख रहा था अभी, तो मैंने बोला भाई को साथ इसकी थोड़ी डिटेल शेयर करता चलूँ। बहुत से भाई इसके मुतल्लिक भाई गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं और टिकटॉक वालों से रابطे कर रहे हैं, और पाकिस्तानी कुछ एजेंट ऐसे बगैरत किस्म के बनते हैं के बंदों से बोल रहे हाँ हाँ ठीक है ठीक है तुम टिकट बुक करवा लो, पैसे झाड़ रहे हैं, और बाद में होगा क्या बोलेंगे फ्लाइट्स अभी नहीं है, फ्लाइट्स फिर डिले कर दी गई हैं, तुम्हारी टिकट ये मैं कैंसिल करवा रहा हूँ, 10,000 रुपया कट रहा है, ये है वो है। तो भाई आप सब भाइयों के लिए है, क्योंकि आप टिकट की तरफ उस टाइम ही जाइएगा जब आपको कन्फर्म हो जाए। और दूसरी चीज़ आपको मैं ये यहाँ पर बता दूँ भाई, कोई भी ऐसा बंदा चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी जितना भी बड़ा यूट्यूबर है, वो आपको अगर कोई भी किसी किस्म की डेट दे रखा है तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। मैं आपको ये पहले क्लियर कर दूं इसी वीडियो में। क्यों भाई, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई भी डेट नहीं दी गई है। आप वीडियो यहां पर मेरी स्किप करके जा सकते हैं कि फ्लैट ओपन नहीं हुई हैं, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है मैं ये आपको अभी बताता हूं भाई कि सऊदी अरबिया ने अभी तक कोई भी डेट 22 इंटरनेशनल फ्लैट्स को लेकर नहीं दी है। 9 ममालिक आपको पता है जिनकी फ्लैट्स बंद की गई हैं। तो 1 अगस्त से सऊदी अरबिया इंटरनेशनल फ्लाइट्स ओपन हो रही हैं, ऐसी कुछ न्यूज़ गर्दिश कर रही हैं, तो ये सरासर झूठ बोला जा रहा है। 1 अगस्त से सऊदी मॉल्स वगैरह में, बकालों में, सुपरमार्केट्स वगैरह में एंट्री बंद हो रही है उन बंदों की जिन्होंने भाई वैक्सीन नहीं लगवाई है, ना कि उनकी जिन्होंने भाई वैक्सीन लगवा ली है। अगर आपने एक डोज भी लगवा ली हो तो आप जा सकेंगे। हाँ, इंटरनेशनल फ्लाइट्स के मतलब कोई अपडेट नहीं है। आप भाई पाकिस्तान में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, तो भाई अपनी डोज कंप्लीट कीजिए, दोनों खुराक एक्स वैक्सीन की कंप्लीट कीजिए, उनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिए। आपको अभी तक इसके तरीकाकार के मुतल्लक मुकम्मल तौर पर इलम हो चुका होगा, क्योंकि भाई सैकड़ों वीडियो पढ़ी हैं यूट्यूबर जो मेरे जैसे भाई हैं दूसरे लगा चुके हैं। तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसकी मुकम्मल कागजात अपने क्लियर कीजिए, जैसा ही सऊदी अरबिया अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स करे ओपन करे तो आप सऊदी अरबिया में आ सकें। और मेरे हिसाब से अगर बात करें तो इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी माह यानी कि अगस्त में, और मुझे लग रहा है कि 20 अगस्त से पहले पहले हो सकता है सऊदी अरबिया अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहाल कर दे। बाकी ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। और कोई भी ऐसा बंदा अगर आपको कोई डेट वगैरह दे रहा है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, वो आपसे भाई झूठ बोल रहा है, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी किसी किस्म की डेट नहीं दी गई है। आइडिए ही है, आप भाइयों के साथ जो भी बंदा लगाकर शेयर करता जाए अपनी तरफ से झूठ बोलता जाए कि डेट वगैरह के मतलब, तो वो बोलता जाए, वो उसकी अपनी मर्जी है।